हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सीएमए फाइनल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। एंड प्यारे स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ रहे हैं, 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ रहे हैं। सेक्शन ए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन बी के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो कि न्यू सिलेबस में 2022 सिलेबस के अंदर न्यूली एडेड चैप्टर है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो इजी। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू एमएसएमई सेक्टर। बच्चों, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाना, डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किस बारे में बात करता है और हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी सुनाऊंगा, एग्जांपल सुनाऊंगा। हमारी इस स्टोरी के अंदर दो कैरेक्टर्स, दो किरदार हैं। एक है जिनका नाम है चाचा चौधरी, और बच्चे दूसरे हैं उनका नाम है छोटा भीम। इनकी बातचीत हमें सुननी है और हमें इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, चाचा चौधरी पहले आर्मी में काम किया करते थे, फौज में काम किया करते थे, इंडियन आर्मी के अंदर। लेकिन अब उनकी उम्र हो गई और वो रिटायर हो गए। तो जब चाचा चौधरी आर्मी से रिटायर हो गए और घर पर आकर बैठ गए, तो वो बोर होने लगे। वो बोले, यार मैं पूरे दिन घर पे बैठा रहता हूं, मुझे मजा नहीं आता, क्या करूं। तब चाचा चौधरी के दिमाग में ख्याल आया कि यार मैं हमेशा, मुझे ना शूज बनाने का, जूते बनाने का एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना मैं शूज बनाने की कोई छोटी मोटी फैक्ट्री स्टार्ट कर दूं, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दूं शूज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज है। ऐसा चाचा चौधरी ने सोचा। ये बात जब छोटा भीम को पता लगी तो छोटा भीम खुशी खुशी में चाचा चौधरी के पास में गया और बोला, चाचा जी चाचा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात सोची है, आपने बहुत ही सही सोचा है कि आप शूज बनाने का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले। बोला, चाचा जी ये बात आपने बहुत अच्छी सोची है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग, आज के टाइम पर इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग एमएसएमई ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, एमएसएमई ओपन कर रहे हैं। तो चाचा चौधरी बोले कि यार छोटे छोटू छोटे भीम, ये एमएसएमई क्या होता है। तो छोटा भीम क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो। छोटा भीम बोल रहा है, चाचा जी जब भी इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन इस तरह का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करता है, तो उस बिजनेस को या तो माइक्रो बोला जाता है, माइक्रो बिजनेस, या उस बिजनेस को स्मॉल बोला जाता है, स्मॉल बिजनेस, या फिर उस बिजनेस को मीडियम बिजनेस बोला जाता है, मीडियम एंटरप्राइज। इसीलिए एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो या स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो या स्मॉल या मीडियम फर्म, कंपनी, बिजनेस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री। तो चाचा चौधरी के अभी तक ये बात दिमाग में समझ में आ गई कि वो जो छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं इंडिया के अंदर, उसको एमएसएमई के नाम से जाना जाता है। आप जब भी कोई इंडिया के अंदर छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हो, या तो उस बिजनेस को माइक्रो बिजनेस बोला जाएगा, या उस बिजनेस को स्मॉल बिजनेस बोला जाएगा, या उस बिजनेस को मीडियम एंटरप्राइज, मीडियम बिजनेस बोला जाएगा। अब वो कैसे डिपेंड करता है, हम किस बिजनेस को माइक्रो बोलते हैं, किसको मीडियम बोलते हैं, किसको स्मॉल बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों ये बात आगे हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन के तौर पे हम समझेंगे किस बिजनेस को स्मॉल, किसको माइक्रो, किसको मीडियम बोला जाता है।
चाचा चौधरी के जब ये बात समझ में आई कि इसे एमएसएमई बोला जाता है, तो चाचा चौधरी ने पूछा कि यार छोटे भीम एक बात तो बता यार, मैं ये छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूं, क्या इस तरह के एमएसएमई माइक्रो या स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज अगर इंडिया में स्टार्ट किया जाए, क्या सच में इस तरह के छोटे मोटे बिजनेस को स्टार्ट करने से कुछ फायदा है, कुछ फायदा मिलता है क्या? छोटा भीम बोला, चाचा जी बहुत फायदा मिलता है। अगर आप इंडिया के अंदर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे से छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे से एमएसएमई सेक्टर के अंदर आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फायदा बहुत मिलता है चाचा जी। एक तो सबसे पहली बात, आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, बिजनेसमैन बन जाओगे, आपका खुद का व्यापार होगा, खुद मालिक हो गए आप, मेड इन इंडिया के अंदर सपोर्ट करोगे आप। दूसरा, आप अर्निंग करोगे। अभी देखो, आप रिटायर होके घर पे बैठे, या बहुत सारे लोग जो नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग घर पे बैठे हैं, या बहुत सारे लोग जो जॉब भी कर रहे हैं, अगर कोई नहीं कमा रहा है या फिर कमा रहा है लेकिन कम कमा रहा है, अगर वो खुद का अपना कोई एमएसएमई सेक्टर में आके बिजनेस शुरू कर देता है, तो वो अर्निंग करेगा, पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो टैक्स देगा, टैक्स देगा तो देखो वो कंट्री की इकोनॉमी को सर्कुलेट करने में हेल्प कर रहा है, वो देश को कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सबसे पहला फायदा, आपका खुद का बिजनेस है, आप मालिक बन गए, आप एंटरप्रेन्योर बन गए, आप मेड इन इंडिया के अंदर स्वदेशी मार्केट में एंटर हो चुके हो, खुद के प्रोडक्ट्स बना रहे हो अपने मार्केट में। दूसरी बात, आप अर्निंग करोगे, उससे आप टैक्स पे करोगे, अपनी देश की इकोनॉमी को सर्कुलेट करने में, इंक्रीज करने में हेल्प करोगे। उसके अलावा आपने बिजनेस खोला है, आपने फर्म खोली है, चाहे से छोटी ही सही पर खोला तो बिजनेस है, उसमें कुछ लोगों को नौकरी पर तो रखोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे आप, बेरोजगारी को खत्म करने में हेल्प करोगे, लोगों को रोजगार दोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे, काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। अरे सरकार गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लेकर आ रही है, गवर्नमेंट तो खुद बोल रही है कि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेसमैन बने, और सरकार आपको कोलेट्रल फ्री बिना किसी सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड करेगी, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करेगी, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करेगी, आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत आ जाओगे आप। तो अभी तक चाचा जी ने सोचा कि यार अगर मैं इंडिया के अंदर या तो कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो वो एमएसएमई सेक्टर के अंदर फॉल होता है, मेरे बिजनेस को या तो माइक्रो बिजनेस बोला जाएगा या स्मॉल बिजनेस बोला जाएगा या फिर मेरे बिजनेस को मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस बोला जाएगा। ये समझ में आ गई चाचा जी की कहानी। फिर चाचा जी बोले कि छोटू यार मुझे एक बात तो बता कि ये एमएसएमई अगर मैं इंडिया के अंदर ओपन करता हूं, क्या इससे कोई फायदा होते हैं? छोटा भीम बोला, चाचा जी बहुत फायदे होते हैं यार, एक तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, आप खुद बिजनेसमैन बन जाओगे, दूसरी बात आप ये देखो कि आप अर्निंग करोगे और देश की इकोनॉमी के अंदर हेल्प करोगे, इंक्रीज करोगे, लोगों को रोजगार दोगे, आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, गवर्नमेंट आपको कोलेट्रल फ्री बिना किसी सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड करेगी, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेगी, आपको इंडियन स्टैंडर्ड का एक तमगा मिल जाएगा, आईएसओ सर्टिफाइड हो जाओगे आप, और बहुत सारे बेनिफिट्स। तो चाचा जी बोले वो सब तो बात ठीक है छोटू, लेकिन एक बात बता यार, ये जो इंडिया के अंदर एमएसएमई माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, आखिर इनको कौन सी गवर्नमेंट गवर्न करती है, कौन इनको चलाता है, रेगुलेट करता है? तो छोटा भीम बोला, देखो चाचा जी, वैसे तो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है चाचा जी, वो होती है स्टेट गवर्नमेंट की। सबसे पहली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स दे रही है आजकल। हालांकि ये प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, जैसे सपोज करो आपने राजस्थान के अंदर अगर एमएसएमई में से कुछ भी ओपन किया तो राजस्थान की गवर्नमेंट आपको कंट्रोल करेगी, पंजाब में किया तो पंजाब की
गवर्नमेंट करेगी, यूपी में किया तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ध्यान देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर आती है और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स दिए हैं वो अपने स्टेट में लागू करते हैं। हालांकि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है एमएसएमई सेक्टर को गवर्न करने की वो है स्टेट गवर्नमेंट की, पर इसका मतलब ये नहीं है यार चाचा जी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लेकर आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इवन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हेल्प करती है, स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करती है कि किस तरह से उन्हें अपने एमएसएमई सेक्टर, उनके स्टेट के अंदर जितने भी एमएसएमईज हैं उनको कैसे ग्रो करवाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सिखाती है, स्टेट गवर्नमेंट एमएसएमईज को सिखाते हैं। हालांकि एमएसएमई को रेगुलेट करने की पहली और प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, साथ नहीं देती। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव्स लेकर आती है चाचा जी। चाचा जी बोले ठीक है ठीक है, लेकिन मुझे ये बता, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन जैसे इंडिया के अंदर कंपनी को, कंपनी से रिलेटेड चीजें कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, सेबी से रिलेटेड बातें सेबी एक्ट में लिखी हुई है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड फेमा एक्ट में, फेमा में लिखी हुई है, मार्केट में कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन एक्ट है, कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। यार इन एमएसएमईज के लिए भी कोई पर्टिकुलर लॉ बना है कि नहीं बना? मतलब बनाए बनाए एमएसएमईडी एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। बोला पता है चाचा जी आपको एक बात पता है, इंडिया के अंदर एमएसएमई सेक्टर को सेकंड बेस्ट एम्प्लॉयर बोला जाता है। सेकंड बेस्ट एम्प्लॉयर मतलब ये सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा नौकरियां, रोजगार देता है। आज इंडिया के अंदर एमएसएमई सेक्टर ना हो ना तो कितने लोग घर पे बेरोजगार बैठे रहे। तो अभी तक चाचा जी को यह समझ में आ गया कि इंडिया के अंदर अगर कोई छोटा बिजनेस ओपन किया जाता है तो वह एमएसएमई सेक्टर के अंदर फॉल होता है, उस बिजनेस को या तो माइक्रो या स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। ये एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अंदर फॉल होता है। सेकंड नंबर पे ये सब इंडिया के अंदर दूसरे नंबर का बेस्ट एम्प्लॉयर, मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा नौकरियां प्रोवाइड करता है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा उन्हें यह समझ में आ गया कि ये एमएसएमई ओपन करने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो टैक्स, हम पढ़ेंगे, टैक्स एग्जम्पशन भी मिल जाती है, टैक्स में भी बहुत सारी छूट मिल जाती है, गवर्नमेंट लोन भी देती है, सिक्योरिटी फ्री लोन दे देती है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देती है। और उसके अलावा हमेशा हर गवर्नमेंट जो है वो नई नई इनिशिएटिव्स लेकर आती है इनको फायदा देने के लिए। आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, आप बिजनेसमैन बन जाते हो, आप कंट्री की इकोनॉमी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हो, आप दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड। चाचा जी के दिमाग में एक बात और समझ में आ गई, चाचा जी को ये बात भी समझ में आ गई कि यार ये जो एमएसएमई है ना, एमएसएमई को ओपन करने से एक और फायदा हो रहा है कि बेसिकली एमएसएमई को कौन गवर्न, कौन कंट्रोल कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। लेकिन कर तो गवर्न स्टेट गवर्नमेंट रही है, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, बट ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ध्यान देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नई नई इनिशिएटिव्स लेकर आती है और नई नई स्कीम्स लेकर आती है और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करती है, हेल्प करती है, समझाती है कि किस तरह से वो अपने स्टेट के एमएसएमईज को ग्रो करवा सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई चाचा जी को। चाचा जी बोले कि छोटू यार एक बात और बता दे मुझको, बस मुझको बस ये और बता दे यार कि ये जो एमएसएमई है इनकी डेफिनेशन क्या है, मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा बिजनेस माइक्रो है या मेरा बिजनेस स्मॉल है या मेरा बिजनेस मीडियम है, ये बात मुझे कैसे पता लगेगी, इतनी सी बात बता दे। तो फिर अब छोटा भीम बता रहा है, बोल रहा है देखिए आप फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो
जब भी किसी बिजनेस को इंडिया के अंदर एमएसएमई सेक्टर में माइक्रो या मीडियम या स्मॉल की तरह देखा जाता है, तो वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, उसके बेसिस पर देखा जाता है। अगर आज आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस बिजनेस के प्लांट मशीनरी या जो भी इक्विपमेंट्स लगाओगे उनके ऊपर, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है, प्लस उससे आप जो एनुअल टर्नओवर कमाओगे वो 5 करोड़ से ज्यादा का, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं हो, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो आपका बिजनेस माइक्रो है। लेकिन अगर, लेकिन चाचा चौधरी, अगर आप अपने छोटे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स इनके ऊपर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से तो ज्यादा का है लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, एंड टर्नओवर 5 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो फिर आपको स्मॉल बोला जाए। तो आपको क्या समझ में आया बच्चों, माइक्रो जो है उसके अंदर 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, नॉट मोर देन 1 करोड़, एंड टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़। स्मॉल के अंदर इनका 10 गुना कर दो, इनका 10 गुना कर दो, मतलब इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़ और टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़। लेकिन जब मीडियम के अंदर आ जाओ तो स्मॉल वाले का 5 गुना, 5 times बढ़ा दो, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से तो ज्यादा है बट नॉट मोर देन 50 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट मोर देन 250 करोड़। याद रखना ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, इनके बीच में और नहीं है, एंड है। मतलब माइक्रो कब बोला जाएगा, जब इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। स्मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। मीडियम के अंदर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। उस सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चों, उस सिचुएशन में कंपनी को एमएसएम या तो माइक्रो बोला जाएगा, स्मॉल या मीडियम, उनके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पर। तो बच्चों यहां तक आप लोगों को जो चीज समझ में आई, हमने यहां तक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमें ये समझ में आ गया अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं एमएसएमईडी एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 को हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर एमएसएमई सेक्टर आता है, और जिसके अंदर एमएसएमई सेक्टर आता है, और वो ये बोलता है कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी पर्सन माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस ओपन कर रहा है, बच्चों अगर वो बिजनेस ओपन कर रहा है तो फिर उस केस में उसको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अंदर वो आता है और स्टेट गवर्नमेंट की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको असिस्ट करती है, हेल्प करती है, इनिशिएटिव्स लाती है, स्कीम्स लेकर आती है। और अगर आप जो बिजनेस ओपन कर रहे हो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, आपका बिजनेस माइक्रो कहलाएगा। बट इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है बट 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आपका स्मॉल बोला जाएगा। लेकिन अगर आपके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से तो ज्यादा है बट 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर 50 करोड़ से तो ज्यादा है बट 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो फिर आपका बिजनेस मीडियम बोला जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया बच्चों, यहां तक का जो ये पूरा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको समझाया ना इस कहानी के थ्रू, आप ये लगा लीजिए इस चैप्टर के अंदर हमने इस चैप्टर का काफी सारा पार्ट पढ़ लिया इस कहानी से। ये चीज मैंने आपको बता दी कि क्यों इंडिया में ओपन किए जाते हैं, ताकि मेक इन इंडिया प्रमोट होता है, उसके अलावा लोग बिजनेसमैन बन जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, खुद की अर्निंग होने लग जाती है। प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, लेकिन हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बहुत सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू हेल्प करती है। कौन सा एक्ट इसको मैनेज करता है एमएसएमई को, MSMED 2006 एक्ट जो है वो मैनेज करता है। ये एक एक चीज जो मैंने आपको कहानी के थ्रू बताई है, सेम बात आप लोगों को आपके स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है, बस आप उसे डायरेक्टली पढ़ते हैं तो लैंग्वेज हार्ड थी, आपको समझ में नहीं आता, एग्जांपल के थ्रू सब कुछ क्लियर हो चुका है।
यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा बच्चों आप लोगों को डेफिनेशन भी बताई कि डेफिनेशन के अंदर माइक्रो के अंदर क्या है, स्मॉल के अंदर क्या है, मीडियम के अंदर क्या है। याद रखिएगा माइक्रो स्मॉल और मीडियम की डेफिनेशन हम जब भी देखते हैं तो हम प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट के बेसिस पर देखते हैं। क्लियर है। और एक चीज यार याद रखिएगा बच्चों, जब भी कभी किसी भी बिजनेस को MSME की नजर से देखा जाता है तो हम जब उसे ये देखते हैं कि अगर इस लिमिट में फॉल हो रहा है तो वो माइक्रो है, इसमें फॉल हो रहा है तो वो स्मॉल है, इसमें फॉल हो रहा है तो वो मीडियम है, हम उसमें प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखते हैं, उसके अलावा टर्नओवर देखते हैं। जब भी हम प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट को देखते हैं वहां पर लैंड एंड बिल्डिंग को कंसिडर नहीं किया जाता, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी को ही कंसिडर किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई, ये एक एक चीज मैंने यहां पर लिखी मेरे प्यारे बच्चों, ये एक एक चीज हम लोगों ने यहां पर लिखी हुई है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है, मैं वो इंपॉर्टेंट बातें, हालांकि हमने अपनी बुक के अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, इनके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली बात, जब भी हम ये देखते हैं कि हमारा बिजनेस माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है, तो मैंने आपको बोला एक तो हम देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी के और इक्विपमेंट के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, तो याद रखिएगा उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग को कंसीडर नहीं किया जाता एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स को कंसीडर नहीं किया जाता, ये बात यहां पर लिखी हुई है। क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, जब भी हम टर्नओवर की लिमिट, टर्नओवर को देखते हैं, तो अगर उस एमएसएमई ने बाहर इंडिया से बाहर कोई चीज एक्सपोर्ट करी है तो उसको टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त काउंट नहीं किया जाता। हम इस चीज के क्वेश्चन, आपको पता ही है जब हम पढ़ते हैं तो साथ में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में अभी एक बार हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, थोड़ा सा इस चैप्टर का हम लोग अभी थीम समझ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में ये सेम चीज से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि अलग अलग केस स्टडीज बनाकर, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनाकर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कि इतना अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है जो कि फर्नीचर पे भी है, प्लांट एंड मशीनरी पे, तो क्या ये माइक्रो है, उस सब चीजें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा हम नॉर्मली अपनी करते रहते हैं। तो अभी तक दो बातें आपको, दो इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई, जब भी हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट पर उसमें लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स को कंसीडर नहीं करते, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ है उसे काउंट नहीं करते, जब भी टर्नओवर देखते हैं तो बाहर जो चीज एक्सपोर्ट हुई है उसको काउंट नहीं करते। क्लियर है ये चीज यहां तक। उसके अलावा नेक्स्ट एक बात और आपको याद रखनी है, सपोज कीजिए बच्चों आज चाचा चौधरी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया शूज मैन्युफैक्चरिंग का, 2023 में स्टार्ट किया, 2023-24 में स्टार्ट किया और वो माइक्रो है, लेकिन आज से 2 साल बाद 2026 से 2020 इस वाले फाइनेंशियल ईयर में अब वो बिजनेस माइक्रो से स्मॉल में ट्रांसफर हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट या फिर टर्नओवर इंक्रीज हो गया। क्लियर। तो बच्चों जब ये माइक्रो अब कब हुआ है, ये कब कन्वर्ट हो गया, नेक्स्ट कैटेगरी में कब आ गया, 2026-27। लेकिन अभी तक तो ये माइक्रो था ना, चाचा जी का बिजनेस अभी तक तो माइक्रो था और माइक्रो के हिसाब से इनको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहे थे, गवर्नमेंट इनको कुछ टैक्स बेनिफिट्स दे रही थी, चाहे से इनकी कैटेगरी चेंज हो चुकी है लेकिन अगले 3 साल तक इनको उस पुरानी वाली कैटेगरी के टैक्स बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, 3 साल के बाद में मिलना बंद हो जाएंगे। तो आपको जो याद रखनी है इंपॉर्टेंट चीज वो याद रखनी है, जब भी हम एमएसएमई के अंदर किसी भी बिजनेस के इन्वेस्टमेंट को देखते हैं प्यारे बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स को काउंट नहीं करते उस पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ। दूसरी बात, जब भी हम टर्नओवर को देखते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, तो फिर टर्नओवर जो एक्सपोर्ट किया है अगर एमएसएमई ने तो उसको टर्नओवर में काउंट नहीं करते। और उसके अलावा नेक्स्ट,
कि अगर आज एमएसएमई की कैटेगरी चेंज हो जाती है, वो माइक्रो से स्मॉल या मीडियम में आ जाती है या अपोजिट हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है, तो पुरानी वाली कैटेगरी के टैक्स बेनिफिट्स इवन दो कन्वर्ट हो गई है, नेक्स्ट कैटेगरी में आ गई है कंपनी फर्म, तब भी अगले 3 साल तक मिलेंगे, उसके बाद मिलना बंद हो जाएंगे, उसके बाद उस पर्टिकुलर कैटेगरी के। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अभी मैंने जो आपको ये कहानी के थ्रू समझाया, छोटा भीम और चाचा जी की कहानी, प्यारे बच्चों ये एक एक बात आपके स्टडी मटेरियल में लिखी है, हमने एक एक चीज आपके मॉड्यूल से पढ़ ली है। फर्क इतना है, हमने इजी लैंग्वेज में पढ़ लिया और लीगल लैंग्वेज भी हमको समझ में आ चुकी है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब चाचा जी ने छोटा भीम से एमएसएमई सेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें जान ली, सीख ली। तो चाचा जी ने बोला कि छोटा भीम यार एक बात और बताया, ये जो इंडिया की एमएसएमईज हैं, जैसे इंडिया के अंदर कोई कंपनी है ना, तो क्या होता है कंपनी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स भी आते हैं, कंपनी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स आते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस आती हैं, बहुत सारे नोटिस टाइम टू टाइम आते रहते हैं, और ये एमसीए लेकर आता रहता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लेकर आता है। सेम उसी तरह से ये बता कि आज अगर एमएसएमई इंडिया में ओपन हो गई, कल को एमएसएमई से रिलेटेड भी तो कुछ अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, जैसे डेफिनेशन अभी चेंज हुई थी, ये डेफिनेशन हमने अमेंडेड डेफिनेशन पढ़ी है, इससे पहले कुछ और डेफिनेशन थी एमएसएमई, इनमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं या गाइडलाइंस आ रही हैं या नोटिसेस आ रहे हैं या सर्कुलर्स आ रही हैं या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, एमएसएमई के रिगार्डिंग में कौन पब्लिश करता है, किसके पास में पावर है कि इंडिया के अंदर जो एमएसएमईज है उनके रिगार्डिंग में नए नोटिसेस या सर्कुलर या नोटिफिकेशन या गाइडलाइंस अनाउंस कर सकता है। तो छोटा भीम बोला चाचा जी ये जो एमएसएमईडी एक्ट है ना, एमएसएमईडी एक्ट है ना 2006, इसका सेक्शन 9 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब लगेगा वो तब इस तरह की कोई भी गाइडलाइंस या नोटिफिकेशंस इश्यू कर देगी। चाचा जी बोले ठीक है मैं समझ गया, पर ये बता कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन इशू करेगा या गाइडलाइंस इशू करेगा या कोई नया इनिशिएटिव लेकर आएगा, कोई नई स्कीम, किस किस चीज के रिगार्डिंग में वो कर सकता है। मतलब एग्जांपल के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट कल को सेक्शन 9 की अपनी पावर यूज कर रहा है, कोई अमेंडमेंट ला रहा है या कोई इनिशिएटिव ला रहा है या कोई सर्कुलेट दे रहा है या नोटिफिकेशन दे, किस चीज के बारे में देगा एमएसएमई से रिलेटेड। बोला हो सकता है कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा दे, उसे लगे कि अब इंडिया के अंदर बहुत सारे जो है वो एमएसएमई ओपन हो रहे हैं, तो क्यों ना इनके बीच में कॉम्पिटिशन भी हो, हेल्दी कॉम्पिटिशन हो, ये लोग एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे तो अच्छी क्वालिटी का माल बेचेंगे, कस्टमर को एट द एंड फायदा हुआ। हो सकता है कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करने के लिए कोई नया नोटिफिकेशन लेकर आ जाए, या ये बोल दे कि अब एमएसएमई के अंदर जो भी एम्प्लॉयज काम करेंगे उनके पास में ये पर्टिकुलर स्किल्स होनी चाहिए, ये भी फायदे वाली बात है, ताकि हर एमएसएमई अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, उनको स्किल्ड बनाएगी, तो उनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ डेवलप करने के लिए लेकर आ सकते हैं। मैनेजमेंट वो ये बोल दें कि एमएसएमई के अंदर जो लोग मैनेजमेंट के अंदर बैठे होंगे, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, उनके पास में ये क्वालिफिकेशन या ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए बोल दें कि वो एमएसएमई जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, उनके पास में ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। एट द एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नोटिस या सर्कुलर या गाइडलाइंस या अमेंडमेंट इनिशिएटिव स्कीम कुछ भी लेकर आएगी, एट द एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटेंशन यही होगा कि एमएसएमई को भी डेवलपमेंट मिले और कस्टमर्स का भी फायदा। मार्केटिंग असिस्टेंट हो सकता है, लोगों को एमएसएमई को मार्केटिंग करना सिखाया जाए कि आप अपना
बिजनेस बढ़ा सकते हो, आपको प्रॉपर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट करना पड़ेगा, कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा, उसको असिस्ट, उनको असिस्ट किया जाए एमएसएमईज को। जैसे जीएसटी जब नया नया आया था तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी सिखाने के लिए सीए चार्टेड अकाउंटेंट्स को जीएसटी के बारे में सिखाने के लिए बहुत सारे फ्री सेमिनार्स रखे थे। ये कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए बोल सकती है। जैसे आज एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, ये जरूरी हो जाता है कि आप कोई भी इंडस्ट्री खोल रहे हो तो उस इंडस्ट्री के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है, एक क्रीच होना जरूरी है। सीएम इंटर में पढ़ा है, क्रेच का मतलब होता है जहां पर प्रेग्नेंट महिलाएं काम करने के लिए आ रही है, वहां पे बच्चों के लिए एक अलग से रूम होना जरूरी है, केयर टेकर होगा। तो जब भी कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 9 की पावर को यूज करते हुए कोई भी नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट, इनिशिएटिव, स्कीम, गाइडलाइन, सर्कुलर, नोटिसेस लेकर आएगी, हमेशा इंटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये होगा कि एमएसएमईज का भी डेवलपमेंट हो, कस्टमर्स को भी फायदा हो। और क्या क्या वो ले सकते आ सकती है, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा दे सकते हैं, एम्प्लॉयज की स्किल्स को बढ़ावा दे सकती है, मार्केट असिस्टेंट्स के लिए लेकर आ सकती है, टैक्स में कोई नई छूट दे सकती है, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के लिए दे सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई नया नोटिफिकेशन लेकर आ सकती है। इन मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ सकता है, वो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, जब जिस मैटर की जरूरत होगी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना नोटिफिकेशन इशू कर दे। तो यहां तक की जो बात है वो चाचा जी को समझ में आई। देखिए ये चीज आपके स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है कि सेक्शन 9 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है नोटिसेस, नोटिफिकेशंस इशू करने की, किस चीज के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना या एम्प्लॉय की स्किल बढ़ानी है या मैनेजमेंट इश्यूज, मैनेजमेंट की अच्छा मैनेजमेंट हो जाए एमएसएमई के अंदर। एट द एंड फायदा तो एमएसएमई का हो रहा है और कस्टमर का हो रहा है। टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के लिए, मार्केट में असिस्टेंट उनको की प्रॉपर मार्केटिंग कैसे होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के आपके यहाँ पर ये चीजें होना जरूरी है ना, क्लस्टर डेवलपमेंट लोगों के लिए जो क्लस्टर डेवलपमेंट किया जाता है, बैकवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज का मतलब है आज अगर सपोज करो मैं ये कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री खोलता हूँ तो मेरे को रॉ मटेरियल कहाँ से लेना चाहिए, इसमें हेल्प करे गवर्नमेंट। और फॉरवर्ड लिंकेज मतलब मैं किस तरह से कस्टमर तक मार्केटिंग कर सकता हूँ, वो मेरा लिंकेज बढ़ा दे, मुझे बताए कि ये कंपनीज अच्छी हैं जो अच्छी मार्केटिंग करती हैं, आप इनसे जुड़ जाओ, है ना। उसके अलावा स्मूथ क्रेडिट फैसिलिटी, लोन प्रोवाइड करती है, मैंने बोला ना बिना कोलेटरल बिना सिक्योरिटी के लोन देती है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करती है, और बेनिफिट्स बहुत सारे है ना, ऐसे बेनिफिट्स जिसमें टैक्स नहीं लग रहा है। तो गवर्नमेंट बहुत बहुत हेल्प कर रही है इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया को सुधारने के लिए। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ज्यादातर लोग बोलते थे कि मुझे नौकरी करनी है, आज ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मुझे बिजनेस करना है खुद का, मैं नौकरी दूंगा लोगों। क्लियर है बच्चों? यहां तक की बात बच्चों हम लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि ये सीएमए फाइनल लॉ का न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 3 का चैप्टर स्टार्ट किया और इसके बारे में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, आपको कहानियों के थ्रू, चाचा चौधरी और छोटा भीम के थ्रू ये बात समझाई। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर है। और उसके आपको पता है बच्चों हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, पहले हम पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं जो सीएमए में दिया हुआ है, साथ में हम सीएमए के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अगर सीए के अंदर भी वो चैप्टर है तो हम सीए के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद में उस चैप्टर के हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर हर तरीके से कंप्लीट हो गया, स्टडी मटेरियल से सीएमए के क्वेश्चन, सीए के क्वेश्चन, एमसीक्यूज, उसके अलावा आप लोगों के रेगुलर टेस्ट चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रेगुलर टेस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस होती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं अपन, ताकि वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका सही हो। होता है ना बहुत बार आप जब एग्जाम देकर आते हो तो आप बोलते हो कि मैंने आंसर तो सही लिखा है पर मार्क्स कम आए, आपने आंसर तो सही लिखा पर सही तरीके से नहीं लिखा, वो तरीका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसकी। तो इस तरीके से हमारा कोर्स पूरी तरह कंप्लीट होता है। तो इसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, हम कल जो हम क्लास करेंगे बच्चों, उसके अंदर अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े उनसे रिलेटेड हम पहले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।